हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम करने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का जो हमारा जो टॉपिक बचा है, जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है सॉल्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सॉल्ट्स क्या होते हैं? ठीक है, सॉल्ट्स जो होते हैं ना, इनके दो पेरेंट्स हैं। सॉल्ट्स जो है इसके दो पेरेंट्स हैं, यानी ये दो चीजों से मिलकर बने हैं, एसिड और बेस। ये सॉल्ट के दो पेरेंट्स है। एसिड और बेस में जब रिएक्शन होता है तो हमें क्या मिलता है? सॉल्ट मिलता है। ठीक है, यानी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम एसिड देखते हैं, ले लेते हैं HCl और बेस ले लेते हैं NaOH। ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इन दोनों के रिएक्शन से हमें मिलेगा सॉल्ट NaCl प्लस H2O। इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो सॉल्ट्स की फॉर्मेशन कैसे होती है? जब एसिड और बेस का क्या होता है? रिएक्शन होता है। दूसरी इसमें ये चीज देखनी है कि सॉल्ट की फॉर्मेशन, अब इस रिएक्शन में हो क्या रहा है? जो ये HCl है, जो हमारा एसिड है, इसका जो हाइड्रोजन है, ठीक है, जब इसको जो बेस है, बेस का ये जो मेटल पार्ट है सोडियम, ये इसको क्या कर रहा है? रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है? सॉल्ट मिल रहा है NaCl। ये कॉमन सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये कॉमन सॉल्ट है, ये सॉल्ट है। ओके, ठीक है, तो यानी कि जब एसिड का जो H होता है उसको बेस का जो मेटल पार्ट है वो उसको रिप्लेस करता है, तो हमें क्या मिलता है? सॉल्ट मिलता है। ओके, अब देखो जो सॉल्ट्स होते हैं, जो कि HCl जो हाइड्रोक्लोराइड से बनते हैं, सॉल्ट्स फॉर्म्ड फ्रॉम HCl, जो HCl से हमें मिले हैं उनको हम क्लोराइड्स कहते हैं। ठीक है, जो सॉल्ट्स हमको H2SO4 में से मिलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड्स में से, उनको हम सल्फेट्स कहते हैं। ठीक है, जो HNO3 नाइट्रिक एसिड से हमको मिलते हैं, हम उनको नाइट्रेट्स कहते हैं, नाइट्रेट्स कहते हैं। ठीक है, और H2CO3 जो हमको कार्बोनिक एसिड में से मिलते हैं उनको हम कार्बोनेट्स कहते हैं, एसेट्रा। ठीक, एक चीज और, अब सपोज ये हमारे पास सॉल्ट है NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, तो जो इसका ये जो फर्स्ट पार्ट है, जो इसके नेम का ये जो फर्स्ट पार्ट है सोडियम, ये हमें कहां से मिलता है? बेस से मिलता है। ठीक है, और ये जो इसका लास्ट पार्ट है ना, ये होता है एसिड्स में से आया हुआ पार्ट। ठीक है, यानी यहां पर ये जो Cl है ये कहां से मिला है हमें? एसिड में से मिला है, और ये जो सोडियम है ये हमें क्या मिला है? बेस में से मिला है। ठीक है, उसके बाद यहां पर है कि जो हम जो सॉल्ट्स होते हैं इनकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि ये सॉलिड होते हैं। ठीक है, ये जनरली सॉलिड फॉर्म में होते हैं फर्स्ट, सेकंड सॉल्यूबल होते हैं वाटर में। ठीक है, वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। नेक्स्ट, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। सॉल्ट्स जो होते हैं आयोनिक कंपाउंड हैं, आयोनिक कंपाउंड मैम बोले के जैसे NaCl है। ठीक है, इस अगर ये आयन्स क्या फॉर्म करेगा, इसके पास Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये दो आयन्स हैं। ठीक है, तो ये आयोनिक कंपाउंड है, इसीलिए ये क्या है? एक इलेक्ट्रोलाइट है। सॉल्ट्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं। ओके ओके, अब हम सॉल्ट्स के पीएच के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सॉल्ट्स का पीएच, तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जो एक्वा सॉल्यूशन जो सॉल्ट्स में से हमें मिलता है उसका पीएच क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सॉल्ट के पेरेंट्स क्या है? एसिड और बेस है। ठीक है, या सॉल्ट्स क्या होते हैं? नीदर एसिड नॉर बेस। तो हम इसे कहते हैं कि ये हमारी एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि जो एक्वा सॉल्यूशंस जो सॉल्ट में से हमें मिलता है उसका पीएच यहां पर आना चाहिए 7 होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं, सम सॉल्ट्स
सम सॉल्ट्स हैविंग एक्वस सॉल्यूशन विच इज एसिडिक इन नेचर, यानी लेकिन कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जो जिनका जो एक्वा सॉल्यूशन होता है वो एसिडिक की रेंज में आता है या फिर बेसिक की रेंज में आता है. तो ऐसा कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? बाय अ प्रोसेस कॉल्ड हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस का मतलब एक कंपाउंड का टूटना बाय द एक्शन ऑफ वॉटर, स्प्लिटिंग ऑफ कंपाउंड. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम देखते हैं, हमने एक सॉल्ट ले लिया NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड. ये जो सॉल्ट है ये किस फैमिली में से है? क्लोराइड फैमिली में से है. क्लोराइड फैमिली यानी कि जो सॉल्ट्स होते हैं वो के कौन से एसिड से बने होते हैं? HCl से बने होते हैं. तो जब हम इसको इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस किसके प्रेजेंस में होती है? वाटर के प्रेजेंस में होती है. तो ये टूटेगा, ये कंपाउंड स्प्लिट हो जाएगा. अब इसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट है? HCl एसिड प्रेजेंट है, ये हमें पता है क्योंकि यहां पर क्लोराइड लिखा हुआ है. नेक्स्ट हमारे पास क्या बना? बेस क्या आएगा? NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड. अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक वीक बेस है. और HCl क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है. ठीक है, तो यहां पर जो ये जो सॉल्ट है जब ये वाटर के प्रेजेंस में स्प्लिट हुआ तो इसने बताया कि किन किन चीजों से बना हुआ है? एक वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ है. यानी इस सॉल्ट के अंदर क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट है. स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट है. अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स कैसे है? क्योंकि यहां पर ये जो है ना लार्ज अमाउंट ऑफ एच पॉजिटिव आयन्स को रिलीज करेगा. इस सॉल्ट के अंदर एच पॉजिटिव आयन्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा होगी, इसीलिए जो इस सॉल्ट का जो एक्वा सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? एसिडिक होगा नेचर में. इसका पीएच क्या आएगा? 7 से कम आएगा. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. Na2CO3, ठीक है, Na2CO3 ये कौन सी फैमिली में से आता है? ठीक है, कार्बोनेट है ये, सोडियम कार्बोनेट. इसकी हाइड्रोलिसिस देखते हैं. तो अब हमें पता है कि यहां पर कौन सा एसिड प्रेजेंट होगा. कार्बोनेट हमें कौन से एसिड से मिलते हैं? कार्बोनिक एसिड से मिलते हैं. तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड. अब कार्बोनिक एसिड कैसा एसिड है? एक वीक एसिड है. ठीक है, वीक एसिड क्यों है? क्योंकि ये एच पॉजिटिव आयन्स स्मॉल अमाउंट में रिलीज करता है. ठीक है, और बेस क्या हो जाएगा? यहां पर NaOH बेस हो गया. ठीक है, इसे बैलेंस कर लेंगे, ये हो गया. अब ये जो NaOH है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है. तो यानी इससे जब इसकी स्प्लिटिंग हुई इस सोडियम कार्बोनेट की वाटर के एक्शन से, तो हमें पता चला कि इस सॉल्ट के अंदर, ये सॉल्ट है, इस सॉल्ट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट है और वीक एसिड है. अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है यानी कि ये इसका एक्वा सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक होगा. ये कैसा एक्वा सॉल्यूशन देगा? बेसिक देगा. यानी इसका जो पीएच आएगा वो 7 से ज्यादा आएगा. इसीलिए सॉल्ट्स का एक्सपेक्टेड पीएच हम 7 मानते हैं, लेकिन कुछ एसिड या कुछ मतलब लेकिन कई सॉल्ट्स होते हैं जो एसिडिक पीएच भी दिखाते हैं और बेसिक पीएच भी दिखाते हैं. क्यों? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स या स्ट्रॉन्ग बेस से बने होते हैं. ओके, सीएल के बारे में, NaCl, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड. ठीक है, सोडियम क्लोराइड क्या, इसे हम कहते हैं कॉमन सॉल्ट, जो हम अपने किचन में यूज करते हैं. ठीक है,
यूज्ड इन किचन, यूज्ड इन कुकिंग फूड लिख लो, कुकिंग फूड हमें खाने में यूज होता है ये, ठीक है। इसकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन देखेंगे कि ये हम इसे कैसे प्रिपेयर करते हैं लेबोरेटरीज में, लैब प्रिपरेशन है। अब NaCl की क्या रिएक्शन थी, ये कैसे बना हुआ है, इसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट है, Cl, HCl एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और बेस कौन सा है, NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस। तो NaCl उस कैटेगरी का सॉल्ट है जिसका बेस भी स्ट्रॉन्ग है और एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। जब इसका रिएक्शन होता है तो हमें सॉल्ट मिलता है NaCl प्लस H2O, ठीक है, ओके। अब यहां पे देखेंगे कि ये तो हो गई लेबोरेटरी प्रिपरेशन, लेकिन हमें NaCl ऑब्टेंड कैसे होता है, ठीक है, हाउ NaCl ऑब्टेंड। फर्स्ट फ्रॉम सी वॉटर। अब देखो सी वॉटर जो होता है उसके अंदर, जो सी वॉटर जो होता है ना उसके अंदर बहुत सारे तरीके के सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सी वॉटर में अबंडेंस अमाउंट में, बहुत लार्ज अमाउंट में NaCl प्रेजेंट है, ठीक है। तो NaCl प्रेजेंट इन अबंडेंस, ठीक है। तो अब लेकिन हम इसको निकालेंगे कैसे, तो हम क्या करते हैं, सी वॉटर को हम एक शैलो पॉन्ड बनाते हैं, लार्ज अमाउंट में इकट्ठा कर लेते हैं इन अ फॉर्म ऑफ शैलो पॉन्ड्स की फॉर्म में या पूल की फॉर्म में, और उसके बाद क्या हम करते हैं, इवेपोरेशन प्रोसेस करते हैं। इवेपोरेशन यानी कि इन अ प्रेजेंस ऑफ सनलाइट पानी सारा क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, और नीचे क्या रह जाता है, कॉमन सॉल्ट NaCl रह जाता है। तो इवेपोरेशन से, इवेपोरेशन किसकी प्रेजेंस में होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और किसको इवेपोरेट करेंगे, सी वाटर को हम इवेपोरेट करते हैं, और NaCl क्या होता है, लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है। लेकिन अब ये जो हमें यहां पर NaCl बन मिल रहा है, अब क्योंकि सी वाटर जो होता है ना, इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सॉल्ट्स, इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सॉल्ट्स, इसलिए NaCl जो यहां पर मिलेगा ना, इसके अंदर बहुत सारी इम्प्यूरिटीज होती है, क्योंकि इसके अंदर और भी सॉल्ट्स क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, इसीलिए हमें इसको बाद में प्यूरिफाई करना पड़ता है, ठीक है। सेकेंड जो होता है, हाउ NaCl ऑब्टेंड फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स। From underground deposits, ठीक है। तो अब underground deposits जो होते हैं, ये हमें world के different parts में हमें मिलते हैं, और यहां से जो हमें NaCl obtained होता है as a rock salt की form में ये हमको मिलता है, कि जब हम underground deposits को dig करते हैं तो अंदर जो ancient seas थे वो evaporate हो चुके हैं, और वहां से हमको क्या मिलता है, rock salt मिलता है, from evaporating एंशियंट सीज, ठीक है। और हमको क्या मिलता है, यहां से रॉक सॉल्ट मिलता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है यूजेस ऑफ NaCl। तो सबसे पहला यूज तो हमें पता है, ये कहां पे यूज होता है, किचन्स के अंदर यूज होता है फॉर कुकिंग ऑफ फूड। सेकेंड, इट इज यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग, एज अ प्रिजर्वेटिव है, प्रिजर्विंग मीट, फिश या पिकल, इनके प्रिजर्वेशन के लिए यूज होता है। थर्ड जो होता है, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप्स, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप्स। फोर्थ होता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लार्ज केमिकल्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लार्ज यूजफुल केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स बनाने में, जैसे कि HCl को बनाने में NaOH, ठीक है, Na2CO3, इनके लिए यूज होता है। फिफ्थ, विंटर्स में जो कोल्ड कंट्रीज हैं, जहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो वहां पर आइस जम जाती है सड़कों पर, तो उसको मेल्ट करने में यूज होता है, फॉर मेल्टिंग
और मेल्टिंग ऑफ आइस कलेक्टेड इन कलेक्टेड ऑन रोड इन कोल्ड कंट्रीज, वहां पर यूज होता है. तो ये कुछ यूजेस थे NaCl के. ओके, पसंद आया हो ये वीडियो तो आप इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.